बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जिसके बारे में चाहे वो विज़िटर ऑफिस में आए या फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या हमारे जितने भी सोशल मीडिया के जो मीडियम है वहाँ पे, कि जी कैनेडा का अगर हमने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि इसको कवर किया जाए, तो फाइनली आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जब आपने कनाडा का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, कितने अरसे की होनी चाहिए। नंबर तीन, इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर चार पे, कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस की तो सारे बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस की कोई बात नहीं करता। कि भाई अगर सारे कहते हैं कि जी क्लोजिंग इतना हो, ओपनिंग का कोई नहीं बताता। तो ये कुछ टॉपिक हैं, मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली कवर करूँ। तो सबसे पहले चार महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसमें जब आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो वो जो बैंक का लेटर पैड है उसके ऊपर होनी चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए, ऑनलाइन जो पाकिस्तान से एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको प्रॉपर जो हार्ड कॉपी लेनी है वो लेके उसको अच्छे से स्कैन करके विद मेंटेनेंस लेटर, जिसपे मैनेजर के या जो भी वहाँ ऑपरेशन मैनेजर है उसके साइन होने चाहिए मेंटेनेंस लेटर पर भी, और उसके अलावा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी क्लियरली होनी चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती हैं, पता नहीं बैंकों के टोनर ख़राब होते हैं, क्या चक्कर है, इतनी डल होती हैं, जब उनको स्कैन करें तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि एक फ़ाइन प्रिंट लें बैंक से, उसके बाद फिर उसको अच्छे से स्कैन करके फिर अपलोड करें। ये हो गया हमारा नंबर वन पे कि कितने अरसे की होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि जी इसमें कितना बैलेंस होना चाहिए। तो देखें, जब आपने वीज़ा फाइल करना है तो आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अगर आप खुद फिल करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि उसमें एक अमाउंट पूछी जाती है कि आपने कितने पैसे खर्च करने हैं। अगर आपने आपके कंसल्टेंट ने किया है तो वो डेफिनेटली आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो देख के ही आपका बजट उसमें लिखेगा। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपने दो हफ्ते का वीज़ा फाइल करना है और आप बताते हैं कि भाई मैंने $10,000 जो मेरा बजट है एक बंदे के लिए, उसमें आपका सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस से लेके जब आपने जाना है, टिकट लेना है, होटल में रहना है, खाना पीना, शॉपिंग या ट्रांसपोर्टेशन विद इन कैनेडा, तो वो सारी चीज़ें कवर करके उसका एक बजट बन के वो आप अमाउंट बता देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने 10 लाख बोला कि भाई मैं सॉरी आपने बोला कि मैंने $10,000 जो मेरा बजट है, और आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट की वो की ही 20 लाख की, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो आपने ये करना है कि अगर आप $10,000 का बजट दे रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है कम से कम भी उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 30 से 35 लाख हो, ताकि आपका वीज़ा ऑफिसर जो है आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली ले। उसको ये हो कि जब इस बंदे ने $10,000 का बजट दिया है तो वापस जब आएगा तो उसके पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो उसकी पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए इनफ फंड मौजूद है। अगर आपने बजट ही दिया 10,000 का और बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं 20-22 लाख की, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। क्लोजिंग बैलेंस का जैसे मैंने पहले कहा, हर बंदा बोलता है कि जी इतना होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस भी आप कोशिश करें कि जब आपने 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है तो आप अगर फ़र्ज़ करें 30 लाख का आपका टारगेट है कि मैंने 30 लाख का बना के देना है, तो कोशिश करें कि उसमें पूरे 4 जो महीने हैं उसमें 10 से 15 लाख आप रिटेन रखें, और आखिर के जो 2 महीने उसमें कोशिश करें कि 25 लाख, और फिर जो आखिरी महीना उसमें 30 से 35 जहाँ पे आपने लेके जाना है, इस तरह करके आपने मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 महीने पहले बैंक स्टेटमेंट जो देनी है उसमें डेली पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उसमें आपको जो रिटेंशन है वो करनी पड़ेगी कि भाई ये पैसे इतने हैं, उसके ऊपर सारा खेल चल रहा है। यानी कि आपका जो बेस लाइन है वो 10-15 लाख है, उसके ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी फिर मैंने जैसे कहा कि आप तीसरे और चौथे महीने में जो है वो इस तरह करके मेंटेन करके वीज़ा
फाइल कर सकते हैं। तो ये तो है जनाब बैंक स्टेटमेंट के मतलब कुछ टिप कह लें या मेरी तरफ से जो एडवाइस है कि आपको ऐसे मेंटेन करनी है। वीज़ा लगना ना लगना ये वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है, या बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि अगर आपका दाना पानी कहीं का लिखा है तो आप वहाँ जाके आप वो खाना ही खाना है आपने। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं जो स्पेशली हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप अपनी तरफ से एफर्ट फुल दें अपनी तरफ से, बाकी आप छोड़ दें अल्लाह पाक पे, जो भी आपके नसीब में है। आपको ज़रूर वीज़ा मिलना हो तो मिलेगा, वरना नहीं मिलता तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि मुझे वीज़ा नहीं मिला। ये पार्ट ऑफ द गेम है, जब आप अप्लाई करते हैं या लगना होता है या रिफ्यूज़ होना है, लग गया तो बहुत अच्छी बात है, रिफ्यूज़ हो गया तो कोई बात नहीं है, उसको देखें क्या रीज़न है और दूर करके दोबारा अप्लाई करें, यही हो सकता है। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट जो मैंने ये कुछ पॉइंट आपको बताए, इसको मद्देनज़र रख के आप मेंटेन करें और वीज़ा फाइल करें। और ये जो मैंने बैंक स्टेटमेंट बताई है ये आप कनाडा के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसी ही बैंक स्टेटमेंट आप शेंगेन अगर वीज़ा अप्लाई करना है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यूके में ये बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, उसके लिए एक स्पेशल टाइप की बैंक स्टेटमेंट होती है जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, तो वो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। और उसके अलावा बाकी तकरीबन किसी और ममालिक में भी आप करते हैं तो आप ये बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है, किसी को 3 महीने की चाहिए होती है, किसी को 6 महीने की चाहिए होती है, तो उसी हिसाब से। लेकिन ओवरऑल आप यूके के अलावा ये फार्मूले की बेस पे आप बाकी कंट्रीज़ में बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।